Fernando Tony. आज आपके मुख पर ये व्याकुलता का क्या कारण है? Yeah.
Yeah.
क्या तुम ध्वन जाने का अभिप्राय समझती हो? स्वामी, मेरे लिए आपका साथ ही सब कुछ है।
प्यार तुमसे जा कठिन है चलान तुमसे जा देखी तू कर रूप को देखी भयंकर रूप को डरोगी तुम भय खा जाओ माता से आज्ञा लेकर वन गमन की तैयारी करो। जो आज्ञा नाथ। बोलिए महाकाली माता जी।
बार सभी लोग नारा लगाएंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज ग्यारह देवी में, ग्यारह देवी रामलीला में हम सब को यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए सर्वप्रथम मैं आज रामलीला कमेटी और यहाँ के जो रामलीला कमेटी के भव्य आयोजन, बहुत सुंदर आयोजन में लगे हुए सभी लोगों का हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही इस रामलीला कमेटी को, इस रामलीला को बहुत सुंदर रूप देने के लिए इस कमेटी को साधुवाद देता हूँ। इस कमेटी के अध्यक्ष कैप्टन सुंदर सिंह राय जी, कोषाध्यक्ष कुंडल सिंह अधिकारी जी और इसका बहुत सुंदर संचालन कर रहे आदरणीय भट्ट जी एवं समस्त टीम जो यहाँ पर इस रामलीला को भव्य रूप दे रही है, इन सब लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूँ कि आप सब लोगों ने हमें यहाँ पर बुलाया। मेरे साथ में आए हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चे के अध्यक्ष श्री हरीश रावत जी और इसी क्षेत्र के हमारे युवा कार्यकर्ता जो हमारे इस मंडल जो मंडल है भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री। भैया ये मैं क्या सुन रहा हूँ, पिताजी की मदी मारी गई है क्या? वे ऐसा नर्क कैसे कर सकते हैं? अवश्य भ्राता, अवश्य पिताजी ने राजनीति का प्रयोग किया है और राजनीति भी ऐसी, आपको स्वयं श्री राम को वनवास और उस भरत को राजपाट। ए भैया आप मुझे आशीर्वाद क्या दीजिए, अगर पिताजी मेरे समीप आए तो मैं उन्हें स्वर्ग लोक सिखाने से पहले एक बार नहीं सोचूंगा। शांत भ्राता लक्ष्मण, धैर्य धरो। कैसे धैर्य धरो भैया, कैसे? पिताजी की मति जो मारी गई है
वे ऐसा कैसे कर सकते हैं भैया? पिताजी की चौथी अवस्था के कारण है, उनकी मति मारी गई है भैया, उनकी मति मारी गई है। Thank you.
तनिक मन में जारी धर्म है हम पिता की आज्ञा माने धर्म है हम पिता की आज्ञा माने ये उत्तम नीति सुतने है वन जाने की ठानी ली है तो अपने इस प्यारे लखन को भी अपने संग ले चलिए नाथ। नहीं भ्राता लक्ष्मण, तुम अयोध्या में रहकर भरत के साथ राजपाट संभालो। मैंने सदैव आपको प्रथम पूजनीय माना है। मैंने सदैव आपका ख्याल रखना अपना प्रथम धर्म माना है। और अगर आप ही मुझे इस महल में छोड़ देंगे तो ये महल भी मेरे लिए निर्जन वन से कम नहीं है। भैया क्षमा कीजिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूँ, परंतु इस लगन को भी अपने संग ले चलिए भैया। मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम बचपन से कितना अधिक है, इसलिए अगर तुम नहीं मानते हो तो जाओ, माता से आज्ञा लेकर वन गमन की तैयारी करो। धन्यवाद दादा।
धन्यवाद धन्यवाद माता धन्यवाद। मैं अभी माताओं से आज्ञा लेकर आया। आयुष्मान बहुत हे माता, मैं भैया के साथ वन जाने के लिए आज्ञा लेने आया हूँ। ये क्या कह रहे हो पुत्र? वन Yeah.
पात्र अपने भ्रात का। जो आके माता आयुष्मान भव। प्रणाम माता। आयुष्मान भव। प्रणाम माता। खुश रहो पुत्री। प्रणाम माते। खुश रहो पुत्र। हे माता, अब हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। हे माता, मैं अभागिन हूँ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सेवा के समय देव ने वन दिया। हे पुत्री, तेरा सौभाग्य अचल रहे। जब तक गंगा जमुना में पानी हो, तब तक पति की प्यारी रहो। हे पुत्रों, अब तुम जाओ और अपनी पिता की आज्ञा का पालन करो। जो आज्ञा माता। खुश रहो पुत्र। जो आज्ञा माता। खुश रहो पुत्र। आज्ञा माता। खुश रहो पुत्र। भावपूर्ण दृश्य है कि एक बाप जो सुबह सोच रहा था कि मेरा पुत्र राज्य के राजसिंहासन में बैठेगा, आज वो तापसी वस्त्रों में अपने पुत्रों को बन जाते हुए जब देखता है तो उसके हृदय की स्थिति क्या होगी, ये थोड़ा हम कल्पना करें। यही दृश्य अब आप लोगों के सम्मुख अभिनीत हुआ।
प्रणाम पिताश्री। आराम। प्रणाम माता। कभी भी बन जाने की आज्ञा नहीं देंगे। अगर तुम पिता की आज्ञा का पालन करना चाहते हो तो वनगमन की तैयारी करो, नहीं तो राज्यासन प्रस्तुत है। आप ठीक ही कहती है माता, आप हमें आशीर्वाद। Thank you.
हाँ तो दर्शकगण, व्यक्ति में यज्ञ के प्रति श्रद्धा और विश्वास होता है, वहां पर व्यक्ति का स्वास्थ्य कभी भी आड़े नहीं आता है, यदि सच्ची श्रद्धा है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई यह जानकर कि आज हमारे भी हमारे क्षेत्र के वयोवृद्ध व्यक्ति जो 90 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हैं, श्री रतन सिंह मेहता जी बेड़ा हड़कांटे से 90 वर्ष के लिए, वही दृश्य आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत हो रहा है। अरे केकई, ये तुमने क्या अनर्थ कर डाला? हे गुरुवर, आप हमारे पूज्य हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान कर रही हूँ। आप हमारे पारिवारिक मामले में दखलंदाजी न करें तो वही अच्छा रहेगा, मैं कदापि नहीं मानूंगा। Bye.
और राज के कपड़े बनाऊं वे समुनियन का बनाऊं वे समुनियन का बनाऊं वे समुनियन का बनाऊं वे जो है माता तेरे मन में जो है माता तेरे मन में वही जीता रही मन में वही चिंता रही मन में वही बन राम हालक
सिमर मुझे अब दीद क्या करना, 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 मेरे सुत बन मैं दुख पावे, मेरे सुत बन मैं दुख पावे, अरे उस देव से डरना, अरे उस देव से डरना, हाय राम हाय राम, ये बन राम हाल सिमर मुझे अब जीके क्या करना, मुझे अब जीके क्या करना, मुझे अब जीके क्या करना, मुझे अब जी आराम आराम। देह प्राणी छाड़ी चलो यह देह प्राणी आराम, यह देह राम चल Yeah.
पिताजी द्वारा दिए गए वचन को पूर्ण करने हेतु स्वयं वन की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये कैसी है प्रभु की लीला है, ये कैसी श्री रामचंद्र जी की लीला है। प्रभु की लीला प्रभु ही जाने, श्री राम की लीला श्री राम ही जाने। नारायण नारायण। राम लखन वन को पछिरि धारण तन करके, फकीरि धारण तन करके देसिया। राम लखन वन को चले राम लखन वन को पछिरि धारण तन करके, फकीरि धारण तन करके। राम लखन वन को गए हे राम नारायण नारायण। मैं मच गयो सो
सिया राम लखन बन को चले सिया राम लखन बन को फकीरी धारण सन करके फकीरी धारण तन करके के खुशी भई के कई कपटन को भई के कई कपटन को अवस मच गयो सो खुशी भई के कई कपटन को अवस में मच गयो सो राम लखन बन को चले सिया राम लखन बन को फकीरी धारण तन करके फकीरी धारण तन करके आगे आगे राम चलत आगे आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भाई आगे राम चलत है पीछे लक्ष्मण भाई चलत है सीता माता मध्य चलत है सीता माता मंद मंद मुस्काई चले राम लखन वन को चले सिया राम लखन वन को धारण तन करके फकीरी धारण तन करके ते फकीरी धारण तन करके नारायण नारायण श्री नारायण 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 प्रभु नहीं सिखा मित्र कहो मित्र मेरे सरकार और आप कुशल से हो कुशल से हैं सरकार Yeah.
संकोच कहो मित्र प्रभु, एक बार आप मेरे श्रृंगवे नगर चलकर मेरे और मेरे परिजनों को धन्य कर दियो हो सरकार। सो सब तो ठीक है सखा, परंतु मुझे पिताश्री की कुछ और ही आज्ञा का पालन करना है, अर्थात 14 वर्ष वन में रहकर किसी नगर या शहर में न जाकर इसी वेश में वन में ही रहना। ये न हो सकत सरकार, ये आपने क्या कह दी सरकार। आज कैसा दिन देखन पड़ सकत है, जो राजा राम महलों में राज किया करते थे, आज उन्हें ऐसे वन वन भटकना पड़ सकत है। हाय, हम जैसे मनुष्यों का ये सब देखत के बाद की हाल होई। हाय रे केकई मैया, ये तूने बहुत है अनर्थ कर दियो हो। Yo.
हुआ है। अब आप दूर दूर आ चुके हैं। महाराज की मेरे लिए आज्ञा है कि आप तीनों को जंगल दिखाकर वापस ले आए। तो हे प्रभु, अब ज्यादा दूर न जाके कृपया अवध की ओर लौट चले प्रभु। जाओ मेरे प्यारे रघुवंशी, दूर न जाओ मेरे प्यारे रघुवंशी, प्यारे रघुवंशी दुलारे। आप उन्हें
यह समझाना और यह सांत्वना देना कि वे हमारी चिंता ना करें। वन में जो कांटे हैं वो आपकी राह में फूल बन जाए प्रभु। आपकी कीर्ति का सूर्य हमेशा चमकता रहे। सेवैया से कहकर नौका का प्रबंध करवाओ। ठीक है प्रभु, आप तनिक विश्राम करिए, मैं अभी नौका का प्रबंध कर आता हूँ। न जाने कहाँ मर गवाय। अरे ओ केवटवा, आप आवत हैं? न जाने कौन आई गवा। आ ही गई सरकार, हुकुम करो सरकार। अरे केवट, ये तो देख, तोरे नाव में बैठने खातिर कौन आवा है। कौन? ये देखो, अयोध्या नरेश, राजा राम और भैया लक्ष्मण और साथ में देवी सीता मैया। तो ये है राजा राम। सोहा जय जय भैया, जय हो लक्ष्मण भैया, जय हो सीता मैया। हे सखा, नौका को थोड़ा किनारे को ले आओ, जिससे कि देवी सीता को जाने में सुगमता होगी। अरे ये कैसे हो सकत है? अर्थात हम समझे नहीं। ऐसा नादान कृपा निधान, हम आओ इन चरणन का बखान सुनाई। इन्हीं चरण की रस से पत्थर की शिला नारी हो गई। न जाने मेरी काट की नैया कहाँ से कहाँ हो जाए। ना भगवन ना। हे सखा,
तुम हम पर शंका मत करो, हम भी तुम्हारी तरह साधारण मानव ही हैं। करना
चढ़े हो। हे प्रभु, बिना चरण को धोए मैं आपको नैया पार बिल्कुल भी नहीं कराऊंगा। अच्छा सखा, ठीक है, पहले चरण ही धो लो। ठीक है भगवान। हे केवट, तू जाके नाव ले आ, तब तक हम प्रभु के चरण धोएंगे। आइए प्रभु। पाँव जब तक न लूंगा पखा चढ़ाऊंगा नाथ तक, पाँव जब तक न लूंगा पखा चढ़ाऊंगा नाराजा जी, बोले जब तक न मन का विकार चढ़ाऊंगा जी, नाव जब तक न लूंगा पाँव जब तक न लूंगा पखा आऊंगा नाराजा जी, बोले जब तक न मन का विकार चढ़ाऊंगा नाराजा जी, पाँव जब तक न लूंगा पखार चढ़ाऊंगा नाराजा जी। ये देखो आपके अगाई बह रही गंगा, ये देखो आपके अगाई बह रही गंगा, पाँव जब तक न लूंगा पखार चढ़ाऊंगा नाराजा जी, पाँव जब तक न लूंगा पखार चढ़ाऊंगा नाराजा। मैं नाव प्रभु, पूजा करूंगी। तथास्तु।
मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया गंगा मैया। आज आई हूँ चारों आज आई हूँ चारों आज आई हूँ चारों ओ गंगा मैया उछली मत मारो घिच कोले, देख घिच कोले मेरा मनवा डोले, उछली उछली मत मारो घिच कोले, देख घिच कोले मेरा मनवा डोले। आज आई आइए भगवान। केवट तुम्हें यह मुद्रिका उतराई में दी जाती है। ना भगवान, ऐसा करके मुझे पराया ना करें। महाराज मुदरिया ना ले दूंगी, 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 महाराज मुदरिया ना ले दूंगी। तो हार चरण रज धोने से, तो हार चरण रज धोने से दरिद्रता दूर हो गई, महाराज मुदरिया ना ले दूंगी, महाराज मुदरिया ना ले दूंगी। धोबी से धोबी ना ले लाई, नाई से कच लेत न नाई, तुम भी केवटी मैं भी केवटी, कैसे लूं तुमसे उतराई। कर दी जो भव पार प्रभु मोरे, कर दी जो भव पार प्रभु मोरे, जब घाट तुम्हारे पर रोकर अब चढ़ी हूँ।
जब आपके घाट आऊं तो मुझे भव सागर से पार कर देना, बस यही मेरी विनती है प्रभु। ठीक है सखा। चलिए